हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है विपाल और आप देख रहे हैं एमपी ब्लॉग्स चैनल। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ऑल्टो K10 की कमियों के बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि उसमें स्पेस गाड़ी में बहुत ही कम है और बूट स्पेस भी कम है। तो उस वीडियो पर दोस्तों लोगों ने मुझसे कहा कि टाटा सुमो ले लो या 4 लाख में मर्सिडीज वाली फीलिंग कैसे आएगी, या फिर कई तरीके के दोस्तों कमेंट थे उस पर, अभी भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि हम जो गाड़ी की कमियां बताते हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि वो गाड़ी की कमियां आपको भी लगें। गाड़ी की कमियां हम लोग मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूं ताकि आप लोगों को जब आप लोग गाड़ी खरीदें या लें तो आपको पता होनी चाहिए कि हम ये गाड़ी ले रहे हैं, हम किस लिए ले रहे हैं। मान लो आपको चाहिए हो एक स्पेशियर गाड़ी और आप ऑल्टो K10 को खरीद लें तो आपको उसमें स्पेस नहीं मिलेगा इतना। तो और रेनॉल्ट क्विड है, और दोस्तों मैं अगर क्विड के बारे में बता दूं कि गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसकी बिल्ड क्वालिटी K10 से अच्छी है या इंजन K10 से अच्छा, तो वो नहीं है। K10 का इंजन क्विड से ज़्यादा अच्छा है। और अगर मैं दोस्तों मान लो पहले दोस्तों आप लोग अगर चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक यहाँ पे दे दूंगा उसका। और जैसे दोस्तों हम एक यूट्यूब का जो हम यूट्यूब पे काम करते हैं दोस्तों, वो हम करते हैं, हम करना चाहते हैं दोस्तों ईमानदारी से पूरा, कि हम जो चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को वो ठीक हो, ये जानकारी जो है वो पूरी ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ऑल्टो K10 है तो हम इसके बारे में सारा अच्छा अच्छा बता देंगे और बुरा ना बताएं। तो होगा ये कि हमने कमियां तो बताई नहीं अब इसकी, हमने सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बता के रख दी। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपने इनसे पैसा खाया हुआ है, जैसे उस वीडियो पे मेरे पे कमेंट आता है कि आपने क्विड वालों से पैसा खाया हुआ है इसलिए आपने क्विड की तारीफ की है। मैंने क्विड की तारीफ केवल दो ही मामलों में की थी, उसमें एक स्पेस की और दूसरी उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो था टच स्क्रीन दिया हुआ है इस चीज़ के बारे में। बाकी मैंने उसकी ऐसी कोई बुराई नहीं की थी उस वीडियो में K10 की जो आप लोगों को ज़्यादा बुरी लगी हो, और मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर भी उसी वीडियो पे आए हैं और वो लगभग 50 के पार कर चुकी है इस समय। तो ये बताना था मुझे कि हमारा काम है दोस्तों गाड़ी की कमियां बताना, खूबियां बताना, और कमियां तो किसी भी गाड़ी में निकाली जा सकती हैं। तो अगर टाटा सुमो की बात करो तो उसमें भी कमियां हैं, बुलेरो की बात करो उसमें भी कमियां हैं, बलेनो की बात करो उसमें भी कमियां निकल आएंगी, i20 की बात करो उसमें भी कमियां निकल आएंगी। गाड़ियों में कमियां दोस्तों होती हैं, सभी में होती हैं छोटी मोटी। अब वो मैटर करता है कि आपके लिए गाड़ी में कमी वो आपके लिए है या नहीं है। अब मेरे लिए इसमें स्पेस की कमी नहीं है, क्योंकि जब मैंने ली थी तो मैंने पूरी पहले ही सर्च कर ली थी कि गाड़ी में थोड़ी स्पेस की कमी है, लेकिन मुझे चाहिए थी एक रिसेल वैल्यू वाली गाड़ी, अच्छी रिसेल वैल्यू, अच्छा इंजन हो जिसका, और एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी। तो इसीलिए मैंने K10 खरीदी थी। ऐसा नहीं है कि मैं इस गाड़ी को खरीद कर पछता रहा हूँ या मैंने ये गाड़ी खरीद कर कोई गलती कर दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा था ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने गाड़ी के बारे में अच्छा अच्छा तो सब बता दिया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर और भी कई वीडियोज बनाई हुई हैं, उसका लिंक भी आई बटन में दे दूंगा, कुछ का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। और ये मैंने इसलिए बनाई थी ताकि आप लोगों को मैं इसकी अच्छाइयाँ बता सकूँ, इसके कुछ फंक्शन बता सकूँ और इसकी जो कमियां हैं वो भी बता सकूँ। तो मैंने इसकी आप लोगों को कमियां भी बताई हैं, इसके कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स भी बताए हैं, और माइलेज भी मैंने इसको बताया आपको कि माइलेज कितना अच्छा देती है, सर्विसिंग का खर्चा भी इसका बहुत कम है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये गाड़ी खरीद कर कोई गलती कर दी है, और आप जब भी कोई गाड़ी खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग गलती कर देते हैं वो गाड़ी खरीदते समय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने हिसाब से गाड़ी खरीदते हैं तो आपको कमियां भले ही ना लगें, जैसे मुझे ऑल्टो K10 चाहिए थी, मुझे इसमें कोई कमी नहीं लगती, लेकिन मैंने आप लोगों को फिर भी वो कमी बताई कि स्पेस की कमी, जिनको स्पेस चाहिए होगा वो गाड़ी नहीं लेंगे, वो गाड़ी बड़ी देखेंगे। और दोस्तों बात है 4 लाख की। अब 4 लाख की बात यहाँ पे ये है कि इस समय तो खैर थोड़ी महंगी है, इंश्योरेंस के चक्कर में लगभग 4-30 की है, 4-35 की पड़ रही है, हर जगह अलग अलग है थोड़ा रेट। तो अब मर्सिडीज वाली फीलिंग तो नहीं आएगी जब 4 लाख डालेंगे तो, वाकई में नहीं आएगी। और टाटा सुमो लेने की बात कर रहे हैं कुछ लोग उस वीडियो पे, तो टाटा सुमो भी 4 लाख में नहीं आती है, टाटा सुमो भी 7-8 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे तभी मिलेगी। तो यही है आज के इस वीडियो में। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।